हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी, आपके वाइवा में भी, और इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट के बीच में डिफरेंस बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी कॉम्बिनेशनल सर्किट का। कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे डिजिटल सर्किट होते हैं जिनका आउटपुट हमारे इनपुट पर डिपेंड करता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ डिजिटल सर्किट हुज आउटपुट इज डिपेंड ऑन द प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ओनली। ऐसे सर्किट जिसका आउटपुट उसके प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है वो कहलाते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप के सर्किट होते हैं। आपने इनपुट दिया, आपको इमीडिएटली आउटपुट मिल जाएगा। ये फंक्शन है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। और आउटपुट इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। आउटपुट हमेशा प्रेजेंट इनपुट का फंक्शन होता है। इसमें यहाँ पे जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, कॉम्बिनेशनल सर्किट में मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं, और जो आउटपुट होता है वो इनपुट का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट लिख सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट आर मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स। यहाँ देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट लॉजिक गेट से बने होते हैं। ये हमारे लॉजिक सर्किट्स होते हैं, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उनके लिए हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का यूज करते हैं। जैसे कि आपके एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सारे आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी में आते हैं। मतलब अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल सर्किट होते हैं जो कि लॉजिक गेट की हेल्प से बने होते हैं। इनमें जो आउटपुट होता है वो फंक्शन होता है इनपुट का, यानी आउटपुट इज टोटली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ओनली। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हैव नो मेमोरी एलिमेंट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, टाइमिंग सर्किट नहीं होता, फीडबैक लूप नहीं होता। ये बहुत ही सिंपल टाइप के सर्किट होते हैं। इसमें कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, इसीलिए ये किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करते। ये केवल अर्थमेटिक ऑपरेशन, बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये टाइम इंडिपेंडेंट सर्किट होते हैं, इसीलिए इनमें कोई टाइमिंग सर्किट भी नहीं लगा होता, इनमें कोई फीडबैक लूप नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ ईच लॉजिक गेट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लॉजिक फंक्शन। मैंने आपको बताया कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं उसका जो आउटपुट होता है वो फंक्शन होता है इनपुट का, और इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट ओनली। एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशनल सर्किट के, अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, कुछ बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो इनका जो एग्जाम्पल है, हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सारे सर्किट हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट की ऑलरेडी मैं पूरी यूनिट आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जंप ना करें, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जंप ना करें। आप सारी यूनिट को सिक्वेंस में देखिए, सारे वीडियोस को सिक्वेंस में देखिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ज़रूर इंक्लूड होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाले हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं? सिक्वेंशियल सर्किट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड मेमोरी एलिमेंट। ऐसे सर्किट जो कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी एलिमेंट को मिलाकर बनाए गए हैं उन्हें हम कहते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर एज वेल एज पास्ट आउटपुट पर।
इन सिक्वेंशियल सर्किट द प्रेजेंट आउटपुट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउट। तो जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी एलिमेंट की हेल्प से बनाए जाते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। और सिक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पर और पास्ट आउटपुट पर डिपेंड करता है। ये पास्ट आउटपुट कहाँ पे स्टोर होगा? तो ये स्टोर होता है, जैसे यहाँ पे ये आउटपुट आया, आपने इनपुट दिया तो जो आउटपुट आया वो आउटपुट जाके स्टोर होगा मेमोरी एलिमेंट में। और जैसे ही हमारा इनपुट चेंज होगा वैसे ही इस मेमोरी एलिमेंट का डेटा भी हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट में चला जाएगा और एक नया आउटपुट जनरेट होगा। तो ये फंक्शन होता है सिक्वेंशियल सर्किट का। यहाँ पे देखिए और आपको अदर डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगी इसकी वर्किंग। सिक्वेंशियल सर्किट आर डिजिटल सर्किट दैट स्टोर एंड यूज द प्रीवियस स्टेट इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन देयर नेक्स्ट स्टेट। जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं वो स्टोर करते हैं और यूज करते हैं प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए या नेक्स्ट आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए। जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो तब तक स्टोर करके रखते हैं इन्फॉर्मेशन को जब तक हमारा नेक्स्ट इनपुट अराइव नहीं होता। जैसे ही नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट में जाएगा जो इन्फॉर्मेशन मेमोरी एलिमेंट में स्टोर है, जो प्रीवियस आउटपुट मेमोरी एलिमेंट में स्टोर है, वो आउटपुट भी हमारा मेमोरी एलिमेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट को दे देगा। तो जो आउटपुट होता है सिक्वेंशियल सर्किट का वो किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा? प्रेजेंट इनपुट पर और पास्ट आउटपुट पर। नेक्स्ट, सिक्वेंशियल सर्किट आर कॉमनली यूज इन डिजिटल सिस्टम टू इम्प्लीमेंट स्टेट मशीन टाइमर काउंटर एंड मेमोरी एलिमेंट। जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं बेसिकली हम उनका यूज करते हैं टाइमर काउंटर मेमोरी एलिमेंट्स को बनाने के लिए या स्टेट मशीन को इम्प्लीमेंट करने। कॉम्बिनेशनल सर्किट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो लॉजिक गेट की हेल्प से बने होते हैं और मेमोरी एलिमेंट हमारे फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बने होते हैं। फ्लिप फ्लॉप हमारा 1 बिट स्टोरेबल डिवाइस है जो 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसीलिए सिक्वेंशियल सर्किट में ये दोनों लगे होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और मेमोरी एलिमेंट जो भी प्रीवियस आउटपुट है उसको स्टोर करके रखता है और तब तक स्टोर करता है जब तक हमारा इनपुट चेंज ना हो जाए। जैसे ही इनपुट चेंज होगा वैसे ही मेमोरी एलिमेंट अपना जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट में दे देगी और हमारा एक न्यू आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, द मेमोरी एलिमेंट इन सिक्वेंशियल सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। मेमोरी एलिमेंट सिक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से इम्प्लीमेंट होता है। विच आर सर्किट दैट स्टोर बाइनरी वैल्यू। ये फ्लिप फ्लॉप हमारी बाइनरी वैल्यू को स्टोर करते हैं एंड मेंटेन देयर स्टेट इवन व्हेन द इनपुट चेंज, और तब तक स्टोर करके रखते हैं जब तक हमारा इनपुट चेंज नहीं होता। तो ये पूरा फंक्शन है सिक्वेंशियल सर्किट का। इसके एग्जांपल्स है सिक्वेंशियल सर्किट के, जैसे आपके टाइमर काउंटर, ये सारे सिक्वेंशियल सर्किट की कैटेगरी में आते हैं। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट के बीच में यहाँ पे मैंने चार्ट प्रिपेयर करके आपको डिफरेंस एक्सप्लेन किया है। डेफिनेशन, फंक्शनिंग, एग्जाम्पल आप ऑलरेडी देख चुके हो तो उससे आपको काफी कुछ आइडिया हो गया होगा कि कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन जब हम एग्जाम में लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट तो हमें इस टाइप से लिखना है, ठीक है, एक चार्ट बना के कंपैरिजन करके। तो यहाँ पे देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट इट्स आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट ओनली। कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करता है। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में इट्स आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। इसका जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पर भी डिपेंड करता है एज वेल एज पास्ट आउटपुट पर भी, यानी प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द मेन एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट इज बेसिक लॉजिक गेट्स। जो मेन एलिमेंट्स होते हैं हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के, यानी कॉम्बिनेशनल सर्किट बना होता है लॉजिक गेट की हेल्प से, जबकि जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी एलिमेंट को मिला के बनाए जाते हैं और मेमोरी एलिमेंट उसमें हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है। तो द मेन एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स इज
फ्लिप फ्लॉप एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशनल सर्किट इज द टाइम इंडिपेंडेंट एंड वेरी फास्ट इन ऑपरेशन। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं उनमें कोई क्लॉक सिग्नल्स नहीं होते, बहुत ही सिंपल सर्किट होते हैं, इनपुट दिया आउटपुट आ जाएगा, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं और बहुत ही फास्ट होते हैं ऑपरेशन में। सिक्वेंशियल सर्किट आर टाइम डिपेंडेंट। सिक्वेंशियल सर्किट में टाइमिंग सिग्नल होता है, क्लॉक सिग्नल्स दिए जाते हैं और उस क्लॉक सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारे जो मेमोरी एलिमेंट है और जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं, इसीलिए ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं और स्लोअर होते हैं ऑपरेशन में। इन कॉम्बिनेशनल सर्किट देयर इज नो फीडबैक पाथ बिटवीन इनपुट और आउटपुट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता, जबकि सिक्वेंशियल सर्किट में इनपुट और आउटपुट के बीच में फीडबैक पाथ होता है वाया मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्बिनेशनल सर्किट आर मेनली यूज फॉर अरिथमेटिक एंड बुलियन ऑपरेशन। मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का बेसिकली हम यूज करते हैं अरिथमेटिक और बुलियन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। सिक्वेंशियल सर्किट का मेनली हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट, नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट आर वेरी सिंपल। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं वो बहुत ही सिंपल सर्किट होते हैं, आपने इनपुट दिया आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो बहुत ही सिंपल ऑपरेशन होता है इसका, बहुत ही सिंपल सर्किट होते हैं। लेकिन जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेमोरी एलिमेंट होता है फ्लिप फ्लॉप, तो हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट को भी और फ्लिप फ्लॉप को भी, दोनों को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, तो इसका जो ऑपरेशन होता है वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होता है हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट से। नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशनल सर्किट डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग, सो दे आर क्लॉक इंडिपेंडेंट। हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट को एक्सटर्नल ट्रिगरिंग की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये क्लॉक इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि सिक्वेंशियल सर्किट को सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है मेमोरी एलिमेंट और कॉम्बिनेशनल सर्किट के बीच में, इसीलिए हम एक्सटर्नल ट्रिगरिंग प्रोवाइड करते हैं सिक्वेंशियल सर्किट में, और इसीलिए इनको हम क्लॉक डिपेंडेंट भी कहते हैं क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक सिग्नल्स दिए जाते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये कुछ डिफरेंस है कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट के। अब एक और पॉइंट इसमें होना चाहिए, 8th पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल हैं एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल हैं जैसे टाइमर, काउंटर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 8th नंबर का पॉइंट है, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट के क्या एग्जाम्पल हुए? कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जाम्पल है जैसे हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। सिक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल क्या हुए? सिक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल है टाइमर, काउंटर, फ्लिप फ्लॉप, ये सब सिक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल है। तो ये 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपके सारे कंसेप्ट को कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट के। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप। लैचेस क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। इसी तरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे वीडियो आप सिक्वेंस में देखिए जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।